हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। और आप देखिए, 91.20 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगभग 5% के आसपास ये गिरावट फ्राइडे की ट्रेडिंग में देखने को मिली थी हमें स्टॉक में। एंड आप देखोगे तो स्टॉक में ओवरऑल अच्छी खासी जर्नी बनी थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की क्या मूव रह सकती है हमारी। स्टॉक हमारा ब्रिज जोन में रहेगा, बेरिश जोन में रहेगा, 91 रुपए से 80 रुपए तक आ सकता है, या फिर 91 रुपए से 110 तक का सफर तय करेगा हमारा स्टॉक। इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो आप देखिए 184 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था एंड फ्राइडे को इसने अपना 52 वीक हाई भी लगाया था। हालांकि वहां से गिरावट हुई थी, बट ओवरऑल अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को देखोगे शॉर्ट टर्म के लिए, 2 से 3 महीने के लिए भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बेहतरीन स्टॉक बनता हुआ दिखाई देता है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन है और टेक्निकली बुलिश है। बुलिशनेस की बात करें अगर हम, तो एक वीक का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा न्यूट्रल जोन रहा था स्टार्टिंग में, बट ओवरऑल वीक के खत्म होते होते इसने बहुत अच्छी खासी एक रैली दिखाई है और भागा है बहुत तेजी से। आप वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ नीचे वॉल्यूम है इस हिस्टोग्राम्स में, तो जितना प्राइस बढ़ा है हमारा उतना अच्छा खासा एक वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। स्टॉक्स में अक्सर ऐसा नहीं होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम में कमी आती है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपोजिट दिखाया है, और जिसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक भी हमारा अच्छा खासा मूवमेंट इसमें इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 5 डे 10 डे 12 डे 20 डे 26 डे 50 100 और 200 डे के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 डे और 10 डे और 12 डे इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टॉक हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में है। आप यहाँ इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं, देयर आर 16 इंडिकेटर्स टू डिटरमाइन कि स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है या बेरिश जोन में है, और 16 के 16 इंडिकेटर बताते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में है यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में आप देखोगे यहाँ पे कि लगातार हमारे पहला रेजिस्टेंस ब्रेक, सेकेंड रेजिस्टेंस जो है हमारे 4 रुपए का है, पहला रेजिस्टेंस 100 रुपीज का है, और मुझे लगता है यही एक रेंज है जहां तक हमारा स्टॉक जा सकता है आने वाले वीक में। 100 रुपीज का पहला रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही हमारा स्टॉक आसानी से 110 तक की जर्नी तय करेगा। अब देखिए, एक महीने में ऑलरेडी 20% के आसपास का रिटर्न आपको दे चुका है, 3 महीने में 90% का और 6 महीने में 91% का। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो है आपका, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीकली डिलीवरी की बात करो तो 15 से 16% के आसपास की डिलीवरी है, डिलीवरी में थोड़ी सी कमी आई है वीकली डिलीवरी की अगर हम बात करें तो, बट अगर हम डेली डिलीवरी की देखें एक बार तो डेली डिलीवरी हमें थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देती है। आप देखिए, 16 फरवरी को 17% के आसपास थी, 17 फरवरी को 18% के आसपास, 18 फरवरी को भी 18% के आसपास, एंड 19 फेब जब मार्केट गिरा था हमारा तो वहाँ पर 10%, बट वहाँ पर वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया था, 194 मिलियन का वॉल्यूम आया है, 20 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं ऑलमोस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अभी भी जारी है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। टेक्निकल्स को देखोगे आप तो ईएमए बहुत अच्छा है हमारा, ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है हमारा स्टॉक इस समय पर। रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन बरकरार है इस समय पर हमारा, और डिलीवरी परसेंटेज भी हमारा ठीक ठाक यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि बहुत पॉजिटिव खबर है। और ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर हमें एक चीज तय करवाते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में इस समय पर भी बुलिश जोन बरकरार है और नेक्स्ट वीक में भी बुलिश जोन रह सकता है हमारा। तो स्टॉक में एक चीज जो हमें स्टॉक को परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है, जिसने पिछले वीक में हमारे स्टॉक को परेशान किया था, वो है बाजार। बाजार में लगातार गिरावट है और ये एक चीज है जो बाजार जो है वो नेक्स्ट वीक में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक को हमारा परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पर बाजार में चौथा दिन है लगातार, फ्राइडे को निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में लगातार 4 दिन गिरावट हुई थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्ट इंडिकेटर होते हैं हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, और निफ्टी 50 आप देखिए तो यहाँ पर 3 से 4% के आसपास की गिरावट, एक करेक्शन जोन की बात पिछले दिनों भी हुई थी कि 3 से 4% के आसपास का करेक्शन जोन बाजार में बनता हुआ दिखाई देता है, और वही करेक्शन जोन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में गिरावट होगी तो वहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा एक न्यूट्रल जोन बनेगा हमारा, जिस तरह का चार्ट हमारा स्टार्टिंग में बना था, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में जब वीक स्टार्ट हुआ था, ऐसा ही एक चार्ट हमें स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है अगर बाजार में गिरावट प्रिवेल करती है तो। बट अगर बाजार उठेगा तो हमारा स्टॉक भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें कि बाजार की क्या सिचुएशन रहने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो देखिए कि एफआईआई और डीआईआई का एक डेटा देख के समझ में तो आता है कि क्या हो सकता है अगले हफ्ते भी। तो अब देखेंगे कि एफआईआई जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, बट उनकी खरीदारी बहुत शॉर्ट पड़ रही है डीआईआई की सेलिंग से, एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी अगर एफआईआई हमारे खरीदार बने रहते हैं और डीआईआई थोड़ा सा इसमें अपनी बिकवाली को रोक लगाते हैं तो वहां पर बाजार थोड़ा सा ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर 14,700-14,800 जब तक निफ्टी नहीं टच कर लेता है, मुझे नहीं लगता कि डीआईआई जो है हमारे वो बिकवाली के माहौल से निकलेंगे। उनका बिकवाली के माहौल से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो बिकवाली के माहौल से नहीं निकलते तो बाजार लगातार गिरावट के माहौल में ही रहेगा।
मनी कंट्रोल पर भी डेटा आया था, आप उसको भी देख सकते हैं। और देखिए 6200 करोड़ के आसपास का, 6283 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर बेचा गया था लास्ट वीक में DII की तरफ से, जो कि एक बड़ा कारण बना कि जो बाजार है वो लगातार उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक वो बाजार गिरावट में रहा है हमारा। थर्सडे एंड फ्राइडे को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा की गिरावट हुई है, और थर्सडे एंड फ्राइडे को आप इनकी बाइंग और सेलिंग देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक मिसमैच, भारी मिसमैच देखने को मिलेगा। 19 फरवरी को आप देखें तो 120 करोड़ के आसपास का माल खरीदा गया मात्र, और 1175 करोड़ का माल बेचा गया बाजार में। और यही एक रीजन रहा है कि 1050 करोड़ का जो फ्री सप्लाई आई है बाजार में लगभग, उसने बाजार को परेशान किया है फ्राइडे को। थर्सडे की अगर हम बात करें वहीं पर, तो 1217 करोड़ का माल वहां पर बेचा गया था बाजार में, और सिर्फ 903 करोड़ का माल वहां खरीदा गया था। यहां पर भी 300 करोड़ के आसपास का जो माल रहा है वो फ्री सप्लाई में आया है, और जब भी फ्री सप्लाई में माल आएगा बाजार में तो वहां पर एक गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। यही सिनेरियो आप देखेंगे तो 15 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक रिपीट हुआ है लगातार, सॉरी 11 फरवरी से 16, 17, 18 और 19 चार दिन लगातार आप बाजार को देखेंगे तो चारों के चार दिन लगातार बाजार में गिरावट हुई है। और ये एक रीजन बना है, बड़ा रीजन बना है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो रहे हैं हमारे वो गिरावट में दिखाई दिए हैं, जो पहले बहुत अच्छी खासी रैली कर रहे थे, जैसे टाटा मोटर्स हो गया हमारा, इन स्टॉक्स में गिरावट हुई है क्योंकि बाजार में बहुत तगड़ी गिरावट, एक तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इसका एक असर बस हो सकता है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है हमारा बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, नेक्स्ट वीक में भी अच्छी खासी रैली करेगा। बात चार्ट की करें अगर हम, कि चार्ट क्या कुछ कहता है हमारा, तो आप देखिए कि चार्ट बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है इस समय पर, बुलिश जोन में है। जैसे पहले की हमने बात की, इस इंडिकेटर को मैग्डी को देखेंगे तो मैग्डी हमारा बुलिश जोन में, स्ट्रांग बुलिश जोन में, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बनते हुए दिखाई दे रही है। RSI की बात करें 68 है हमारा, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन से बाहर है, ओवरबॉट जोन से बाहर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, और यहाँ से ऊपर की रैली दोबारा से कंटिन्यू हो सकती है हमारी। एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो आपको देखना होगा वो हमारा 89 और 90 रुपीज के आसपास का, और जो पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा हमारा वो 94 रुपीज का पहला रेजिस्टेंस जोन बनेगा। तो ये पहले टारगेट्स भी हो सकते हैं आपके मंडे के लिए, कि आप अगर मंडे को ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो अगर स्टॉक हमारा 90 तक गिरावट में आता है तो वहां पर बाइंग की जा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो ये सपोर्ट जोन आपको वॉच करना है, अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है किसी वजह से बाजार में गिरावट होती है तो वहां से स्टॉक हमारा थोड़ा सा डाउनवर्ड आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा इतना ज्यादा गिरेगा। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा जो 95 रुपीज का रहेगा, मुझे लगता है कि वो अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है बाजार जैसे ही रिकवर करता है, और उसके साथ साथ स्टॉक में भी रिकवरी आती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। बाय कॉल मेरी श्योरली रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपने बाइंग कर रखी तो होल्ड करके रख सकते हो, बट लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी इस स्टॉक को लेकर, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।